आपको स्वागत है आपके YouTube चैनल बुल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं SBI स्मार्ट मनी ऐप के बारे में। दोस्तों अगर आपका डीमेट अकाउंट SBI कैप सिक्योरिटीज़ में है तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि SBI ने ट्रेडिंग के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है SBI स्मार्ट मनी ऐप। और ये जो साइड में देख रहे हैं ये इनका पुराना SBI स्मार्ट का नया पुराना वाला ऐप है, और ये आज हम बात करेंगे नए वाले ऐप के बारे में। तो दोस्तों ये दोनों में क्या डिफरेंस है और पुराने से इस नए वाले में क्या क्या नए फीचर्स हैं, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ और जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो जैसे ही हम SBI कैप सिक्योरिटीज़ के जो नया ऐप है SBI स्मार्ट मनी ऐप को ओपन करते हैं तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुल के आता है, ये इस टाइप से। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये शो होता है, ये निफ्टी का दिखा रखा है इन्होंने और सेंसेक्स दोनों के इंडेक्सेस दिखा रखे हैं कि अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है। अभी निफ्टी 15,000 पे पहुँच चुका है और सेंसेक्स 51,000 क्रॉस कर चुका है, 50,000 क्रॉस कर चुका है। ठीक है दोस्तों, जो दोस्तों इनका जो पुराना वाला ऐप है जो उसमें क्लाइंट कोड वगैरह जैसे हम लॉगिन करते थे उसमें भी सेम रहने वाले हैं। तो हम इसे देखते हैं, सबसे पहले क्या करना है, जो क्लाइंट लॉगिन है आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमसे तीन चीज़ पूछ रहा है, क्लाइंट कोड, पासवर्ड और पैन नंबर, जैसा कि पुराने वाले ऐप में भी सेम तीनों चीज़ पूछता था। पर आप जो पुराने वाले ऐप के जो पासवर्ड है आप इसमें डालेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। तो आपको क्या सबसे पहले क्या करना है, आपको फॉरगेट पासवर्ड पर जाके आपको नया पासवर्ड इसमें क्रिएट करना होगा। आप क्लाइंट कोड डालिए और फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बना लीजिए, उसके बाद आप इजीली इसमें लॉगिन कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद हम आते हैं। सो गाइज मैंने इसमें लॉगिन कर लिया है, हम लॉगिन करने के बाद सीधे वॉच लिस्ट में आ चुके हैं। ये हमारा वॉच लिस्ट ओपन हो रखा है। तो वॉच लिस्ट में हम ये देख रहे हैं, ये जो वॉच लिस्ट है डिफ़ॉल्ट वॉच लिस्ट है निफ्टी 50 की। अगर हमको कोई क्रिएट करनी है तो हम यहाँ जाके जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड न्यू वॉच लिस्ट, तो आप नई वॉच लिस्ट बना सकते हैं। ये सबसे पहला फीचर है इसका। तो हम नई वॉच लिस्ट क्रिएट करना सबसे लास्ट में सीखने वाले हैं, तो हम अभी इसे छोड़ देते हैं, लास्ट में देखेंगे। तो दोस्तों जो इसमें और भी फीचर्स हैं, जैसे कि ये जितने भी स्टॉक्स आपको यहाँ दिख रहे हैं जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, तो सबसे पहले हम किसी स्टॉक्स पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं, जैसे हम एक्सिस बैंक पर क्लिक करते हैं, एक्सिस बैंक पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस टाइप से विंडो ओपन होकर आ जाएगी। इसमें इन्होंने थोड़ा सा लुक चेंज किया है। अभी देखो दोस्तों इसमें डे का जो लो एंड हाई दोनों ही इसमें शो हो रहा है, और सर्किट लिमिट भी इन्होंने दे रखी है। आप किसी भी स्टॉक्स का आप इजीली यहाँ देख पाएंगे। तो यहाँ देखो बिड प्राइस या एक्स प्राइस है, पर अभी लाइव मार्केट में नहीं हूँ तो इसलिए यहाँ शो नहीं हो रहा है। और यहाँ ओपन और प्रीवियस क्लोज यहाँ दोनों शो कर रखे हैं, आप यहाँ से बाय और सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे जो नए नए फीचर्स हैं इसमें, जैसे सेट अलर्ट्स जो पुरानी वाली ऐप में जो कि नहीं था, इन्होंने सेट अलर्ट्स भी दे रखा है, कोट्स भी दे रखा है, और चार्ट, सबसे ज़्यादा चार्ट, जो पुरानी वाली ऐप में आप चार्ट नहीं देख सकते थे आप इसमें ईजिली चार्ट देख सकते हैं। अगर हम बाय पे क्लिक करते हैं तो बाय पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस टाइप से ओपन हो के आएगा। इन्होंने इसमें काफ़ी जो ऑर्डर टाइप है इसमें भी काफ़ी चेंजेस किए हैं। ऑर्डर फॉर्म ये है, मार्केट डेप्थ अगर चेक करना चाहते हैं चार्ट हम यहाँ से भी देख सकते हैं, AMO ऑर्डर भी है इसमें। और इसमें हम नीचे ऑप्शनल फील्ड में देखें, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ, तो ऑर्डर टाइप आपके स्टॉप लॉस और नॉर्मल जो कि पहले की तरह थे, और यहाँ डिलीवरी इंट्राडे T5 और कवर ऑर्डर। दोस्तों जो कि कवर ऑर्डर ये है, पहले वाले पुराने वाले में इनमें कवर ऑर्डर नहीं था। तो हम इसे डिटेल में देखेंगे नहीं, बस हम यहाँ का फीचर्स देख रहे हैं। तो इस टाइप से आप बाय या सेल दोनों ही आप यहाँ से कर सकते हैं। हम बैक हो जाते हैं, इस टाइप से इनमें ये नए नए फीचर्स हैं। तो हम देखते हैं, होम पे चलते हैं, होम पे ये देख लेते हैं होम पे क्या है। होम पे जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो ये डैशबोर्ड ओपन होके आ जाता है इनका डैशबोर्ड में। जैसे हमने स्टार्टिंग में ऐप ओपन किया था ऐसे ही यहाँ सेंसेक्स और निफ्टी यहाँ शो रखे हैं, और ये अभी क्या प्राइस चल रहा है यहाँ आपका शो हो रहा है। अगर लाइव होगा तो आपका ये दिखता रहेगा कितना कम और कितना ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा ये जो फीचर है पोजीशन एंड होल्डिंग, अगर आप अपनी पोजीशन या पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं, होल्डिंग देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पोर्टफोलियो में आपकी होल्डिंग नज़र आ जाएगी। जैसे कि यहाँ शो हो रही है ये मेरा पोर्टफोलियो है, यहाँ पर पोर्टफोलियो की वैल्यू 125,000 है, जो कि अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया था 88,000 के आसपास, जो मेरा ओवरऑल गेन और लॉस दिखा रहा है, अभी प्लस में दिखा रहा है, तो 42% का मुझे प्रॉफिट है उसमें। और डे का गेन और लॉस यहाँ दिखाता है, 0.28% मेरा प्लस में था। तो इस टाइप से आप अपना पोर्टफोलियो भी यहाँ ईजिली होम पे जाके उसका शॉर्ट समरी देख सकते हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप व्यू ऑल करेंगे तो आपको अपना पोर्टफोलियो डिटेल में दिख जाएगा। ठीक है, और ये नीचे जो आप रिसेंटली आपने कुछ व्यू किया होगा तो आपको यहाँ ये शो होने लगेगा। और ये नीचे बहुत कुछ है, रिसर्च आइडियाज़, डिस्कवर बास्केट्स, ट्रेडिंग न्यूज़, जो न्यूज़ वगैरह होती हैं, प्रमोशन ऑफर्स, ये चीज़ें हैं।
और अगर देखें तो ये जो पोजीशन है आपकी, अगर आपने कोई पोजीशन आज के दिन में बनाई है या आपकी लाइव चली है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी जो पोजीशन है ओपन पोजीशन यहाँ दिखा देगा, और नेट MTM यहाँ आपका यहाँ दिखा देगा। मैनेज फंड में देखना है तो आपको मैनेज फंड में आपका फंड दिखा देगा। अभी जो मेरा फंड अवेलेबल है 682 रुपये पड़ा हुआ है, और आप ऐड फंड करना चाहते हो आप यहाँ से जाके भी ऐड फंड कर सकते हैं। माई ऑर्डर्स में जाएंगे तो माई ऑर्डर्स में आपका जो भी एग्जीक्यूटेड है, वो पेंडिंग है, कैंसल्ड है, आपका डिटेल समरी दिखा देगा। तो होम पे जाके आप डैशबोर्ड में आके इतनी चीज़ें देख सकते हैं। और यहाँ ऊपर आपको सेटिंग वाला बटन नज़र आ रहा है, यहाँ सेटिंग में जाके आप कुछ कुछ जो आपको चेंज करना हो आप यहाँ से चेंज आके कर सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन, प्रेफरेंस, डैशबोर्ड्स, इस टाइप से यहाँ सब कुछ शो हो रहा है। प्रेफरेंस में जैसे मैंने ये यहाँ हमारा टिक है तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ओपनिंग पेज जैसे मेरा वॉच लिस्ट पर क्रिएट है, आप कहीं और कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे तो अगर आप होम कर दे तो होम वाले सेक्शन पे ओपन होगा। मैंने जैसे वॉच लिस्ट पे किया हुआ तो वॉच लिस्ट पे डायरेक्ट ओपन होता है। इस टाइप से आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड भी चेंज करना है तो आप चेंज पासवर्ड यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा होम वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट। मार्केट वाले सेक्शन पे आते हैं, मार्केट में हम क्लिक करते हैं तो मार्केट आपको दिखाने लगेगा। जो मार्केट है, जितने भी इंडेक्सेस हैं यहाँ आपके शो हो रहे हैं। जैसे सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप। तो ये जितने भी मार्केट हैं यहाँ आपको शो होने लगा। अगर आप लाइव मार्केट, इंट्राडे वगैरह जो भी कुछ करते हैं तो आप एक साथ यहाँ देख सकते हैं। आपको यहाँ दिख जाएगा कौन सा किस इंडेक्सेस में कितना गेन है या लॉसेज है। ठीक है दोस्तों, और आप नीचे की तरफ आएंगे तो मार्केट का मूड है ये। जैसे कि मैंने ये निफ्टी 50 का मूड चल रहा है, 50 शेयर्स होते हैं निफ्टी 50 में, तो तीनों का ये दिखा रहा है कि अभी फ़िलहाल क्या है। जैसे कि एक शेयर जो है इसमें 3 से 5% प्लस में दिखा रहा है। जो 13 शेयर्स हैं उसमें जो गेन है वो 0 से 3% में इतने हैं। 35 जो शेयर हैं वो -3% में, और एक शेयर -3 से -5% में है। तो ये आपको दिखा देगा। और आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं, जैसे आप 35 शेयर्स पर क्लिक करेंगे तो 35 शेयर्स का डेटा भी आपका आ जाएगा जो ये माइनस में थे। तो इस टाइप से आप इजीली इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बैक कर देता हूँ। ये आपका इस टाइप से देख सकते हैं, मार्केट मूड हो गया। अगर आप किसी और को भी देखना चाहते हैं तो आप सीधे इस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं सेंसेक्स पर क्लिक करूँगा तो सेंसेक्स वाला भी ओपन होकर आ जाएगा कि उसका क्या चल रहा है। ठीक है, आप उसमें ओवरव्यू दिख रहा है, आपका टेक्निकल्स भी आप इसमें देख सकते हैं। न्यूज़ अगर आपको देखनी है तो न्यूज़ भी आपको यहाँ दिख जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप नीचे आएंगे तो इंडेक्सेस टुडे दिखा रहा है निफ्टी 50 क्या है, तो निफ्टी 100, ये जितने भी और सेक्टोरियल इंडेक्सेस देखें तो उसके हिसाब से ये ग्राफ बता देगा। तो काफ़ी कुछ अच्छा सा है। मार्केट मूवर्स में ऊपर की तरफ जाएंगे, मार्केट मूवर्स सिलेक्ट करेंगे तो मार्केट मूवर्स में जो जितने भी हैं वो जिन शेयर्स ने ज़्यादा किया है आज, वो आपको यहाँ शो होने लगेगा। आप ये गेनर्स हैं, और अगर आप लूजर्स देखना चाहते हो तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके लूजर्स भी यहाँ दिख जाएंगे जो माइनस में हैं। मोस्ट एक्टिव शेयर्स कितने हैं ये आपको यहाँ दिख जाएगा। बाय वॉल्यूम, बाय वैल्यू आप यहाँ कैटेगराइज कर सकते हैं। वॉल्यूम शॉकर्स, ठीक है, 52 वीक ब्रेकर, हाई एंड लो, बहुत कुछ है दोस्तों इसमें जो कि पुरानी वाली ऐप में नहीं था। ठीक है, ये हमारा मार्केट वाला सेक्शन हो गया। और ये आपको नहीं, यहाँ पोजीशन वाला भी सेक्शन है। आप यहाँ पोजीशन वाले पर क्लिक करेंगे तो आपका जैसे कि होम वाले में भी शॉर्टकट दे रखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं जो आपकी पोजीशन हैं। और मैं आपकी सारी स्क्रिप्ट यहाँ दिखा देगा अगर कुछ है। ओपन पोजीशन में अगर आपने कोई पोजीशन को ले रखा है तो आपको यहाँ दिखा देगा, क्लोज पोजीशन आपकी यहाँ दिखा देगा। ठीक है, इस टाइप से आप ये सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। और देख लेते हैं, यहाँ एक मोर वाला ऑप्शन भी है कॉर्नर पर राइट में, मोर वाला देखते हैं। जैसे हम मोर पर क्लिक करते हैं, मोर पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आपको ऊपर की तरफ यहाँ नेम नज़र आ जाएगा, और यहाँ ऊपर आपका नेम है। अगर आपको लॉग आउट करना है तो आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ काफ़ी कुछ फीचर्स और भी हैं। अगर आपको प्लेजिंग करनी है तो आप यहाँ से प्लेज कर सकते हैं। अगर आपको शेयर्स को प्लेज करना है, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है, तो आप यहाँ चार्ट्स, ऑर्डर, ट्रेड रिपोर्ट, ट्रेडिंग न्यूज़, ट्रेड एंड इन्वेस्ट, डिस्कवर बास्केट, रिसर्च आइडियाज, पोर्टफोलियो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, टूल्स एंड कैलकुलेटर्स। तो दोस्तों आप मोर में भी जाके एक साथ सब कुछ देख सकते हैं। नॉलेज बैंक, सेटिंग्स, मोर, तो ये आपको यहाँ से सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने इस नए वाले ऐप का, स्मार्ट मनी ऐप पे मोस्टली फीचर्स देख लिए हैं जो कि पुराने वाले ऐप से कुछ ज़्यादा इसमें एडवांस फीचर्स हैं और काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। तो हम सबसे पहले आप देख लेते हैं कि हम अगर वॉच लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम वॉच लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ जाना है, इस पर जो क्लिक करना है, और आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो इस टाइप से ओपन होकर आएगा। यहाँ लिखा हुआ है ऐड न्यू वॉच लिस्ट, यहाँ ऐड न्यू वॉच लिस्ट पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ वॉच लिस्ट का नाम डालना है, तो यहाँ हम वॉच लिस्ट का नाम लिख देते हैं, माई वॉच लिस्ट। तो मैंने इस नाम माई वॉचिंग
के नाम से लिख गया, चलो वाई वॉचिंग के नाम से बना लेते हैं। यहाँ ओके आपको करना है, वॉच लिस्ट नेम कैंड स्पेस, तो इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ इस नाम से मैंने बना दिया, ओके कर देना है आपको। तो इस टाइप से ओपन होके आएगा। यहाँ आपको अब शेयर्स को सिलेक्ट करना है, यहाँ ऑलरेडी ओपन है। अगर जैसे आपको एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स और ये जो आपने अभी रिसेंटली व्यू किए हैं, आपको यहाँ शो होने लगेंगे। अगर आप इनमें से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जो प्लस का निशान दिख रहा है आपको, यहाँ आपको क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं, ये मैंने एक जैसे एक्सिस बैंक सेलेक्ट किया और टाटा मोटर्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो दोनों मेरी वॉच लिस्ट में क्रिएट हो चुके हैं। जैसे आपको यहाँ राइट वाला ऑप्शन आ जाएगा, पहले प्लस का था उसके बाद राइट वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो ये दोनों तो ऐड हो चुके हैं। अगर आपको कुछ और भी ऐड करना है तो आपको यहाँ जाना है सर्च में, जो ऊपर लिखा हुआ है ये सर्च, तो आपको यहाँ सर्च करना होगा। जैसे मैं सर्च पर क्लिक करूँगा तो यहाँ जैसे मैंने बजाज फाइनेंस, तो जैसे ही मैं सर्च करूँगा ये आपका शो होने लगेगा बजाज। दोस्तों ये बजाज फाइनेंस ओपन होके आ गया है। यहाँ आपको ऊपर ये प्लस वाला निशान जो है इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये मेरी वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। अगर हम बैक जाएंगे तो यहाँ तीन शेयर्स ऐड हो चुके हैं, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर, बजाज फाइनेंस। अगर आपको इससे भी ज़्यादा ऐड करने तो आपको ये प्लस वाला जो साइन नज़र आ रहा है आप यहाँ जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ करेंगे दोबारा से आपका यहाँ सर्च वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ आप सर्च जाके यहाँ देख सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डिलीट करना है तो ये डिलीट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वॉच लिस्ट का नेम चेंज करना है या डिलीट करनी है कोई वॉच लिस्ट, तो आपको ये जो चेंज वाला पेंसिल वाला आइकन नज़र आ रहा है आपको यहाँ क्लिक करना है। तो इस टैप से ये आपको डिलीट वाला ऑप्शन दिख रहा है और आप यहाँ नाम भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ आप ये भी दिखा सकते हैं कि मेक दिस वॉच लिस्ट जो कि डिफ़ॉल्ट हो जाए, तो आप अगर यहाँ टिक कर देते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट वॉच लिस्ट हो जाएगी और यहाँ आपको ओके कर देना है। ठीक है, अभी डिफ़ॉल्ट में सेलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, और ये जो बटन है आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए है। अगर आपको जैसे एक्सिस, टाटा, बजाज, आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में क्लिक करना है तो आप यहाँ जाके नेम पे असेंडिंग से ऐसे कर देंगे तो आपका ये अब एक्सिस, बजाज और टाटा मोटर ये अल्फ़ाबेट पे शॉर्ट हो चुका है। आपको डिसेंडिंग में करना है तो आप यहाँ डिसेंडिंग में भी जाके कर सकते हैं, और परसेंटेज वाइज भी जो ये दिखा रखा है परसेंटेज में असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही तरीके से आप यहाँ कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे डिटेल वीडियो में लाता रहूँगा। आज के लिए धन्यवाद।